मर जाएंगे, ऐसा ही है ना। हाँ। सारी जिंदगी इसकी क्या चाहत रही? मर जा। मर जाए और तू साथ ले जाए। हाँ। ये चुन्नी के लिए जहर है, जहर चुन्नी के लिए जहर। हाँ, तू चुन्नी को पिला देगी वो मर जाएगी, तो तू उसको लेके जा सकता, ठीक है। और अगर वो मर गई तो ये बच्चे अभी मेरे को जेल भिजवा देंगे, तो मैं तेरे रास्ते का कांटा हट गया, जेल चला गया। क्या बोला मैंने? मैं तेरे रास्ते का कांटा, क्योंकि मैंने तेरे को सामने लाने वाला मैं हूँ, वरना तू तो छुपा रुस्तम, किसी के बाप को नहीं पता कि तू है, किसी के बाप को नहीं पता कि तू कातिल भी है। नहीं पता। तेरे को सामने लाने वाला मैं हूँ, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह कलमा पढ़ के बोलता हूँ कि मैं, लोग ऐसे समझते हो कि बाबा ने अपने जिन भूत डाल दी औरत के अंदर और औरत में से हाजिरी करवा रहा है, अब वो जानता है बाबा को, तो जैसा बाबा बोल रहा है वैसा कर रहा है, तो बाबा का नाम चमक रहा है इससे, बाबा तो हाजिरी करा रहा है, तो हाजिरी में अपने जिन भूत डाल दिए, इसे अपने मुँह पर डाल दिए ताकि उसका नाम बड़ा हो। अगर मैं ऐसा काम करता हूँ, सुन मेरी बात, तो अल्लाह को खबर है या नहीं? अल्लाह को खबर है मैं गलत काम करूँगा तो? अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा मैं गलत काम करूँगा? मैं ये काम करता हूँ अपने नाम चमकाने के लिए कि मैंने अपने मोकल डाल दिए, जिन बूट डाल दिए और हाजिरी करा दी चुन्नी बेगम की, वो चुन्नी बेगम के अंदर से मरा हुआ निकाल दिया, वो वाहवा हो गई बाबा की, है बाबा की वाहवा हो गई ना, तो चलो वाहवा कर ली, उस अल्लाह से मुझे कौन बचाएगा? अल्लाह से मुझे कौन बचाएगा पूछ रहा हूँ मैं? अल्लाह से कोई नहीं बचाएगा। मैंने आपको गुमराह किया, अपने हाजिरी करवा के गुमराह किया, तुम्हारी बीवी को कोई माँ को कोई तकलीफ नहीं है, मैंने गुमराह किया। अच्छा, मजे की बात यह कि तुम्हारी माँ अगर जवान हो जाए, हाथ मिला, तुम्हारी माँ अगर जवान हो जाए, उठक बैठक करे, दौड़े, फिर तो काम हुआ है ना, बिल्कुल फिर तो काम हुआ है ना, फिर तो अल्लाह ने मदद की है। अच्छा, तुम्हारे बाप को बुलाया है कि तू भी ड्रामा था? तू कलमा पढ़ सकता है? तू कलमा पढ़ सकता है कभी? अभी बात जो हुई आजाद से बात हुई, तेरे को पता है कुछ? नहीं। आजाद आया था तुझे पता है? नहीं। जिसको तूने, मुझे तो आप तूने बताया, उसने आजाद ने बताया कि आजाद तो मरा हार्ट अटैक से था ना। हाँ। लेकिन शादी के बाद दमा की बीमारी तूने दी या नहीं? हाँ। जोर से बोल। हाँ। इसकी आवाज और तुम्हारे बाप की आवाज में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, आवाज सुन इसकी। हाँ, दमे की तकलीफ तूने दी? हाँ। है? छोड़ के जाना है? हाँ। इसको चुन्नी को? अच्छा, अगर चुन्नी को जहर का प्याला पिला देगा, चुन्नी मर जाएगी, तो उसको ले जाएगा, वो बेहतर नहीं है? तो चुन्नी मर जाए और मैं जेल चला जाऊँ, क्या ख्याल है भाई? इतनी सारी लाल मिर्ची में अगर पिला देता हूँ चुन्नी को, तो चुन्नी को तो मर जाना चाहिए, इतनी बीमार है वैसे ही, चुन्नी तो मर जाएगी, तो मेरे को तो जेल पक्की ना भाई, या गलत है? मेरे घर में एक बंदा मर जाए तो इन्वेस्टिगेशन तो होगी, और मैं वीडियो भी बना के सबूत दे रहा हूँ कि मैंने ही पिलाया है, ये मेरा सबूत ये ना, मैं भाग भी नहीं सकता, मैंने कहाँ पिलाया था, झूठ बोल रहे हैं ये लोग, क्या बोलता है? अपना सबूत दे रहा हूँ, अपना सबूत दे रहा हूँ, अपने हाथ से पिला रहा हूँ, अब तेरे ऊपर है, चुन्नी को पिलाना है या तूने पीना है तेरे ऊपर, बोल। चुन्नी को पिला दे, मेरी तेरी जान छुड़ के चुन्नी को ले जाना, तू चुन्नी मर जाएगी, तू लेके जाना, मैं जेल चला जाऊँगा, और मेरी भी बाबागिरी से जान छुड़ेगी, मैं भी जेल में बैठूँगा, मच्छर मारूँगा उधर बैठ के, मैं पी जाऊंगा, बोल तीन बार अली, मैं पी जाऊंगा, मैंने बोला तीन बार बोल अली, मैं पी जाऊंगा, तीन बार बोलना मेरे मौला अली का नाम, तो ले तीन बार बोल अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। और ये पता है तेरे को, लाल शाहबाज कलंदर पाक के नाम का प्याला है, क्या है ये? लाल मिर्चों का प्याला नहीं है, क्या है ये? लाल शाहबाज कलंदर के नाम का प्याला है। वो तेरा बाप भी चुन्नी को नहीं पिला सकता, चुन्नी है ना, चुन्नी इसके हलक में एक कतरा नहीं जा सकता, एक कतरा है ना, कतरा चुन्नी बोली कि मैंने कब पिया, मेरे हलक में तो कतरा भी नहीं गया, क्या बोला मैंने? नहीं पी सकती। तू चाहे भी तो नहीं पिला सकता, तू चाहे भी तो नहीं पिला सकता, ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है मेरे साथ। तू बोले कि चलो यार बाबा को मरवा देते, चिन्नी मर जाएगी, बाबा जेल चला जाएगा, ऐसा नहीं। वह तो इज्जो मन तशा, वह तो जिल्लो मन तशा, बेअदल खैर इल्ला ताला, जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा मेरे को कुछ जलील नहीं कर सकता।
लोग बोलते डॉक्टर लिखवाता इलाज से पहले के दिखे तो भाई मर गया मरीज तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तू भी बाबा लिखवा ले यहाँ, तो तू मिर्ची पिलाता बंदा मर गया तो मेरे बड़ा मैं उसी दिन जलील होगा जिसको मेरा अल्लाह चाहेगा। जब मेरा अल्लाह चाहेगा ना मैं जलील हो जाऊँगा, मैं जेल चला जाऊँगा, बंदा मर जाएगा, है ना। अब तेरे पास है चांस, या तो तू पिला दे इसको या तू पी ले, बोल जल्दी बोल। मैं पी जाऊँगा। अब कैसे पिएगा ये तो बता, कैसे पिएगा बताना, मेरे को पता ना कैसे पिएगा। मैं ऐसे ही पीऊँगा भाई, लगा मुँह पे। मैं पी जाऊँगा। हाँ मुँह पे लगा तो लगा ना मुँह पे, कैसे पीते हैं, पी लो। कैसे पीते हैं भाई, आँखें इधर करनी पड़ेंगी, आँखें नहीं हटाना, आँखें नहीं हटाना। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तुम लोग, तेरी माँ इतनी आसानी से पी लेगी, हिला हिला के पी आरामी हिला के पी, मस माल तो नीचे बैठा हुआ है, अब सुन पी ना पी ना। ये देख लो भाई तुम्हारी माँ इतना चख नहीं सकती, चख पीना बहुत दूर है। क्या बोला मैंने, चख नहीं सकती तुम्हारी माँ, तो ये कुत्ता देखो कितना पी गया, तीन दफ़ा दम करूँगा, चौथे दम मौलाली का नारा लगाऊंगा, इस औरत को धक्का दूंगा, ये बेहोश हो जाएगी, तू इसके जिस्म से निकलेगा, हमारे वाले तुझे लेके जाएंगे। अगर इस मोहम्मद इसको पकड़ो, इसको खबीज को लेके जाओ, और शेरा वगैरह जो भी हमारे अल्लाह पाक ने मददगार भेजे हैं, जो जिस तरीके से भी इसको निकाल सकता है निकाले, मेरी इजाज़त है। और अगर तू ना निकल सके तो मुझे बताना बाबा, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, आप निकालो। क्या बोला मैंने, नहीं निकल पा रहा हूँ, आप निकालें। पहले तू कोशिश करेगा, अगर तू नहीं निकल पाया है तो मैं निकालूंगा। और तू अगर ये समझे कि मैं चोरी करूंगा निकल जाऊंगा फिर पकड़ लूंगा। क्या बोला मैंने, चोरी करूंगा निकल नहीं पाऊंगा। चोरी करेगा निकल के, तूने बोला यार बाबा एक बार निकलेगी फिर पकड़ लूंगा, तू कोशिश करना ये करके। क्या बोला मैं, तेरा बाप भी नहीं कर सकता, इतना बड़ा गिलास, ये बाकी जिस्म तो चुन्नी का है ना, बाकी जिस्म किसका है, चुन्नी का। थोड़ा सा मुंह पानी की जरूरत है, हाँ या ना, इधर देख पानी की जरूरत है, इतना इतना देख, कितना कितना है ये देख, कितना है ये, इतना आ गया एजाज। मैंने पिया। अबे फिर बकवास करता है, मर जाएगा इतने पीने से। आगे ला, आगे मुँह ला, आगे मुँह ला, नज़र आना चाहिए वीडियो पे तेरा मुँह। हाँ भाई देखो ये एजाज का मुँह है, इधर देख, इधर देख, इधर मुझे शक्ल दिखा, इधर शक्ल, इधर दिखा एजाज। हाँ भाई पानी की नीड है बहुत है। तो क्या तुम्हारी माँ चुन्नी इतनी बड़ी पहलवान है, इतना बड़ा गिलास पी गई और पानी तक नहीं मांग रही है, बोलो ना। जी जी अम्मी के साथ। चलो मैंने सारे काम किए, मैंने टोपी ड्रामे किए, जिन भूत निकाल दिए, सामने तो तुम्हारी माँ है, मनोहर है, हाँ तुम्हारी माँ के जिस्म में पूरा गिलास चला गया और माँ सुकून से बैठी है, पूछ रहा हूँ एजाज सुकून से बैठी है, समझ में आ रही है ना। जी जी। तेरी माँ के पाँव पर तो खड़ा हो जाए कोई तो बर्दाश्त कर लेगी, मैं खड़ा होकर दिखाऊंगा और देखना बर्दाश्त करेगा, तो तेरी मान नहीं ये आराम ही होगा। आंखें बंद करो और गीला छोड़ इसका जिस्म, आंखें क्यों खोली अब, एक बार बस, आंखें क्यों खोल रहे हैं, आंखें खोलेगा तो खुलेगा, गीला छोड़ दीजिए, बस बाल्टी बाल्टी मार दे बेटा, गीला छोड़ दीजिए, बस छोड़ दो छोड़ दो, जा याद मर दो। अबे लेट, आगे बन गया कुत्ते का बच्चा, पाँव लंबे करो, अलिया पढ़ो तुम लोग, हट जा बीच में से, हट जा भाई, इसके नीचे का तकिया निकाल दे बाबा, छोड़ दे इसको ऐसे ही, माँ के बालू पकड़ के
मुसले ज्यादा पीछे खींच इस तरह भारी है जी। आंखें बंद रखेगा राम, आंखें खोलेगा तो पीटेगा। क्या बोला? आंखें खोलेगा तो पीटेगा। मुट्ठी बंद कर, जमीन पे दोनों हाथ मार, दोनों रोड से ऐसे झटका, दोनों पाँव पर अलग अलग रोड रोड वाली है, पढ़ो एक निकलेगा कपड़ मारना रोड से अगर यहाँ पे बोलेंगे दोनों पाँव अलग अलग मार, दोनों हाथ भी मार, हरामी के बच्चे पूरी ताकत से निकल पेट ऊपर का निकलने की कोशिश कर सकता बेगर दुपट्टा दो, तुम दूसरा भी ले लो। बोला रोड रोड से हाथ पर मार निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उसको लेके जाओ, दोनों पाँव अलग अलग मार, एक एक मरतबा दोनों पाँव, एक एक मरतबा दोनों पाँव, एक एक मरतबा, अगर तुमने आगे गोली तो पीटेगा। Thank you.
अपनी ताकत से निकल, आपके पास जाना है या बीवी के साथ रहना है? जाना है। जोर से बोल। जाना है। ताकत से बोल, तेरे में ताकत नहीं है। जाना है। हाँ, कहाँ जाएगा योता? अगर आवाज निकली तो मार डालूंगा तेरे को। कहाँ जाना है जल्दी बता। भले टूटा, चल बता कहाँ जाना है, मुँह से बोल। जाना है। खड़ा हो मेरे तरफ। जाना है। मुँह से बोल कहाँ जाना है। बाहर जाना है। कहाँ? बाहर जाना है। बाहर कहाँ? क्या पढ़ाया था बोल, इसको छोड़ के। छोड़ के बाहर जाना है। बाहर नहीं, ईसा नगरी कब्रिस्तान। क्या बोला मैं? ईसा नगरी कब्रिस्तान। याकूब शाह बाबा के मजार पे। याकूब शाह बाबा के मजार पे। किसका सलाम देगा? बोल किसका सलाम देगा? सलाम किसका देगा जल्दी बता। मैंने बोला अल्लाह नहीं, जिस सलाम किसका देगा? किसका? आपका नाम पीर सोबत कलंदरी। बोल आपका पीर सोबत कलंदरी का सलाम देगा। सलाम दूंगा। और इसकी सारी तकलीफें तू लेके जाएगा? सारी तकलीफें लेके जाऊंगा। हैं? सारी तकलीफें लेके जाऊंगा। किसकी? कुछ ही नहीं होता। पाँव सीधा रख कुत्ते के बच्चे, पाँव सीधा रख। मैंने बोला पाँव सीधा रख। हाँ, किसकी तकलीफ लेके जाएगा? चुन्नी की। हाँ, चुन्नी की। हाँ, अब चुन्नी की तकलीफ लेके जानी है तेरे को? लेके जाऊंगा। हाँ, पेट बाहर निकाल इसका। लेके जाऊंगा। पेट बाहर निकाल। लेके जाऊंगा। मेरी आवाज आ रही है, पेट बाहर। ताकत लगा, पेट बाहर निकाल। ऊपर कर, पेट ऊपर कर, पेट ऊपर कर। कमर से 5 दफा झटके लगाएगा तो तेरे को निकालूंगा। पेट ऊपर चाहिए मेरे को, पेट ऊपर इसका, पेट ऊपर, सीना ऊपर इसका। जल्दी कर कोशिश पूरी, वरना निकलेगा नहीं। तू जाना है तो कोशिश कर। हाँ, कोशिश कर निकलने की। नहीं निकल पा रहा तो बता देना अल्लाह। नहीं निकल पा रहा तो बता दे। नहीं टूटेगा। अपनी काम, अपनी बात कर, अपनी बात कर। हाँ बता क्या क्या है, जाना है तो बोल। जाऊंगा। हाँ, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा जल्दी बता, जल्दी बता। हाँ, पूरी बात कर। ईसा नगरी। तू कहाँ जाएगा? ईसा नगरी। हाँ, कब्रिस्तान बोल। कब्रिस्तान। याकूब शाह बाबा के मजार पे। याकूब शाह बाबा के मजार पे जाऊंगा। किसका सलाम देगा? अल्लाह। ए, किसका सलाम देगा? आपका। मेरा नाम पीर सोबत कलंदरी। बोल। अच्छा, इसकी तकलीफ कितनी देर में निकालना है जल्दी बता। हाथ पैर मार जोर जोर से, जोर जोर से हाथ पैर मार, जोर जोर से पाँव हाथ, जल्दी जल्दी मारो ना पिट जाएगा तू। अगर निकलने में तकलीफ होती है तो बता, अगर इस मामले से लेके जाओ इसको, बैठ जा भाई। निकलने में तकलीफ होती है तो बता, आंखें बंद रख, पिटेगा। निकलने में तकलीफ हो रही है? आंखें बंद कर, मैंने बोला निकलने में तकलीफ हो रही है, हाँ या ना? निकल सकता है तू अपनी ताकत से या मैं निकालूं? कैसे निकलेगा जल्दी कोशिश कर जोर से। किसी ने रोका है निकलने से? मैंने पूछा किसी ने तेरे को रोका है निकलने से? नहीं। तो फिर निकल क्यों नहीं रहा है? जल्दी निकल, जल्दी, 1 मिनट का टाइम है वरना थप्पड़ पड़ेगा मुंह पे। जल्दी निकल, अगर इस मोहम्मद से लेके जाओ कुत्ते को। नहीं निकल सकता तो उनको बता दे हमारे पास दूसरा रास्ता है आसान, तो तेरे को आसान रास्ते से निकाल दे। मुट्ठी मार जोर से जमीन पे, हाथ पैर मार। हाँ, तो तकलीफ होगी तो बता, जोर से, जोर से, ताकत मार, ताकत से मार, ताकत से मार। जितनी तकलीफ दी है इतनी ताकत से मार दो, जोर से। ये ताकत है तेरी, तेरे में ताकत नहीं है या पिटेगा तू? ताकत समझता है, ताकत समझता है, ताकत समझता है। देखे से ऐसे 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 ऐसे, जोर से जल्दी। उधर देख, कुछ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ छोड़, उधर देख। जल्दी जल्दी जल्दी, ताकत से। सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। मुट्ठी बंद करके मार जोर से जमीन पे। हाँ, जोर से, ऐसे नहीं मारनी, ऐसे मारनी, ऐसे 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 ऐसे, जोर से, जोर से, और ताकत से, और ताकत से। सारी तकलीफें निकाल इसकी, उनके बच्चों की तकलीफ लेके जाएगा। बोल, लेके जाऊंगा। इसकी बच्चों की।
की भी बच्चों का नाम बता। सब बच्चों की ले लूंगा बीमारियों। हाँ ले जा। सब बच्चों की दुख तकलीफ ले लूंगा। हाँ ले जा ले जा ले जा। नहीं निकल पा रहा है तो हमको बता देना, हमारे पास रास्ता है, अभी भी तेरे को बता रहा हूँ मैं। ले जाऊंगा। नहीं निकल पाता है तो रास्ता है, ले जाऊंगा। मैं निकाल दूँ तेरे को, एक मिनट लगेगा, किसी तकलीफ से बगैर किसी तकलीफ का निकल जाएगा, जल्दी बोल। ले जाऊंगा। मैंने बोला तू निकल सकता है या मैं निकाल दूँ? निकल जाऊंगा। नहीं निकल पा रहा है, कुत्ते झूठ बोलता है। निकल जाऊंगा। नहीं निकल पा रहा है तू? निकल जाऊंगा। नहीं निकल पा रहा, बोल तो रहा हूँ तेरे को। चल बोल, पांच दफा जोर जोर से बोल, या अली मदद, या अली मदद। झटका भी तो दे ना साथ साथ में, या अली मदद। हाँ जोर जोर से, या अली मदद। और तेज, या अली मदद। और तेज, मजा नहीं आ रहा, या अली मदद। और ताकत से, या अली मदद। और ताकत से, या अली मदद। या अली मदद। तू बाल बाल ले भाई, या अली मदद। तेरे इलाज बाद में करेंगे, बाद में लेके आना तुझे उसके इलाज करने। बाकी वीडियो वगैरह देख के शायद तुम्हारे खानदान वालों को समझ आ जाए, तुम्हारे बहन भाइयों को। अल्लाह करे। जितना पैर ऊपर नहीं उठा कुत्ते, और अच्छे भी पड़ने की नहीं कर हमारी बहन की। आंखें बंद रख, सीधा रख पाँव, हाथ पाँव सीधे रख, बड़ा मुँह खोल के भी लेट दिया, बस तुमने जो करना था कर ले, बड़ा मुँह खोल, बड़ा मुँह, बस ऐसे ही लेटा रहे। शेरा पाओ यार, इसने तो हमारी सारी मेहनत की माँ बहने कर दी। शेरा आप आओ, है ये खुली नहीं खुली वीडियो मेरे को तो नहीं पता चल रहा, चश्मा ला देखू मैं यार। तुम्हारी माँ को आवाज़ तो बुला, बेटा आज तुम्हारी माँ आ गई है। नहीं है, उठ के क्या नाम है तुम्हारी माँ का? चल रहा है, चल रहा है, देखो टाइमिंग चल रहा है, देखो है? आप कौन है भाई? इधर आके बैठे मेरे पास। तो कौन हो भाई? इधर आओ, दरवाजा खोल यार। हाँ बिठा दे, दुपट्टा रख सर पे। जी आप अपने बारे में बताएंगे जरा, कौन है आप? आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ मैं अब। जी कौन है आप? चलो चुन्नी। अच्छा आप मुझे जानती हैं? नहीं। कब देखा है मेरे को आपने? चेहरा बना रहा, चेहरा साफ है, अच्छा है, है दीदी नहीं है। अम्मा मेरे को आप जानती हैं? नहीं। मेरी आपसे मुलाकात कब हुई है? आंखें इधर, कब हुई है? अभी। आज तुम्हारी मेरी को मुलाकात हुई है, पूछ रहा हूँ। नहीं। आप मेरे पास कब आई हुई हैं इस घर में? क्या आप मेरे पास चुन्नी बेगम कब आई हो? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है यार, बता दो भाई। मैं इस वक्त आई थी, अभी थोड़ी देर हुई है। कितनी देर हुई है ये तो पूछ रहा हूँ, 5 मिनट हुई है, 10 मिनट हुई है? क्या किया आपके साथ मैंने? आप जब आई तो आपके साथ कुछ किया मैंने? को बातचीत की नहीं की, क्या किया पूछ रहा हूँ जी। थोड़ी देर हुई है मुझे आए थे। यहाँ आ जा। कितनी देर? थोड़ी देर हुई है मुझे आए थे। थोड़ी कितनी? ये बीच में आ रहा है तो इधर आ जा बेटा, बीच में आ रहा है ये। हाँ थोड़ी देर हुई है मुझे आए भी। कितनी देर? थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जी, आधा घंटा हो गया। आधा घंटा, चल आधे घंटे तक मैं और आप क्या कर रहे हैं? कोई लूडो खेल रहे थे अपन? नहीं। क्या कर रहे थे तो पूछ लो। चलो आधे घंटे तक तो क्या किया भाई बंदे ने? है भाई तुम कह रहे थे आधे घंटे से बैठे हो जी। तो मैंने क्या तुम्हारे साथ लूडो खेल रहा था? नहीं, मेरे ऊपर बहुत भारी बनता। मैंने क्या किया आपके साथ आधे घंटे का ये बताओ? भारीपन जो ना तुम्हारा, जब से तुम कुंवारी थी, क्या बोला मैं जी? भारीपन जब से था, कुंवारीपन जब, ठीक है जी। अच्छा एक बात, तो आफाक कौन है? ताया। मेरा कजन थे। अच्छा आफाक कजन थे, चलो एक बात और बताओ यार, ये जद्दो कौन है? मेरे शौहर थे। तुमने बताया उन्होंने? मैं जद्दो को जानता हूँ। नहीं। किसने बताया उन्होंने? फतो कौन है? फातिमा है बेटी मेरी। कहाँ है इस वक्त? कहाँ है तुम्हारी बेटी इस वक्त? तुम्हारी बेटी फातिमा कहाँ है? अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी बेटी फातिमा कहाँ है इस वक्त? यहीं है। कहाँ है बताओ ना, देख के बताओ ना कहाँ है?
यही कहाँ है? इतनी मुश्किल से नजर आ रही है, छोटी सी है, इतनी छोटी सी चीज है, कोई चॉकलेट है, नहीं टॉफी है कोई, नहीं इतनी मुश्किल से क्यों देखा? बेटी है मेरी। ये कौन है? ये बेटा। अरे ये दामाद मेरा। किसका शोहर है? फातिमा का। फातिमा का या फतो का? फातिमा का। और चन्नो कौन है? मैं माऊ। चन्नो जैसे जद्दो है, ऐसे चन्नो भी होगा ना कोई, या होगी? मुझे कहते थे चन्नो। कौन? जद्दो कहते थे चन्नो, सब खानदान वाले कहते। जद्दो कौन? किसको क्या बोलता था? जद्दो कौन है भाई? मेरे हस्बैंड थे शौर। तो तुम्हारे हस्बैंड जद्दो है तो इसका मेरे को क्या पता है? इस चीज से मेरा क्या ताल्लुक है? मैं कैसे जानता हूँ? जद्दो को जानता हूँ मैं? नहीं। और चन्नो को जानता हूँ? नहीं। मैं किसको जानता हूँ तुम्हारे में से? किसी को भी नहीं। तो आधे घंटे तक क्या लूडो खेले अपन, ये पूछ रहा हूँ। आगे उधर नहीं, इधर। आधे घंटे तक मैं अपनी बहन से क्या कर रहा हूँ? लूडो खेल रहा हूँ। आधे घंटे तक इस फातिमा को लेके, इस चन्नो को लेके मैंने क्या किया आपसे? मेरी तबीयत हल्की हुई है। मैंने पूछा आपको आधे घंटे से अगर मिले, उधर इधर आ जा भाई तू। जी ओ भाई तू इधर आ। नहीं मैं इधर देख रही हूँ। ना तू इधर आ भाई, मेरे को टोपी ड्रामे नहीं चाहिए। अटेंशन रहो, बिल्कुल प्रेजेंट रहो। आधे घंटे तक मैंने ये दे दो इसको। ये अच्छा, एक मिनट, ये दुपट्टा किसका है? ये दुपट्टा किसका है? फातिमा का है। तो आपके पास क्यों आया? पता नहीं। इधर पता नहीं कहाँ से आया ये, तो फातिमा और क्या आई थी। मैंने पूछा आपके पास कहाँ से आया? फातिमा के जिस्म पे होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ये चादर किसकी है? ये तो मेरी है। तो ये फातिमा के पास होनी चाहिए, तुम्हारे पास होनी चाहिए? ये तो मेरी है। किसके पास होनी चाहिए? ये तो मेरे पास होनी चाहिए, ये फातिमा के पास होनी चाहिए। पक्की बात है जी? आपको नहीं पता कैसे आई? नहीं। चलो अल्लाह तेरा शुक्र। अच्छा अब काम की बात, आपका आपके साथ क्या किया मैंने अभी, मतलब आधे घंटे तक क्या करते मैं और मेरी बहन लूडो खेलते रहे? आपको पता है मेरी बहन हो? पूछ रहा हूँ, आपको पता है मैं, आप मेरी बहन हो? नहीं। नहीं पता। चलो अब पता चल रहा है कि मैं आपका भाई हूँ जी। चलो शुक्र। मैंने ये 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 क्या चीज़ है ये, पता नहीं क्या। कुछ तो है ना इसके अंदर, कुछ तो है ना, पूछ रहा हूँ, कुछ तो है ना। पानी है मतलब ये पानी है। अच्छा ये पानी जो अपनी बहन को पिला दूँ, ये पानी अपनी बहन को पिला दूँ। अच्छा ऐसा हो सकता है पानी बहन को चखाते थे मान, पानी बहन चखो आप। अरे तू अपना काम करना, जाहिल तो नहीं है तू? मैं पहले बोला बीच में उंगली नहीं कर रहा तुम लोग। ये गिलास पूरा आपने पिया? चख लो, चखने के बाद बताना पिया नहीं पिया। इधर आंखें, इधर इधर करो आंखें, मतलब चखने के बाद बताओ भाई है क्या चीज़। पूछ रहा हूँ क्या चीज़ है, पूछ रहा हूँ बता दो ना। ये चीज़ क्या मिर्चे, मतलब पता नहीं क्या है, कड़वा कड़वा मिर्चे। तो थोड़ा और पी लो। नहीं क्यों नहीं? वजह मतलब वजह बता दो भाई। यूँ नहीं पिया जा रहा, इंसान नहीं पी सकता मैं, खत्म। नहीं नहीं पी सकती। पानी की ज़रूरत है जी, पिला दो। अच्छा आपको ऐसा लगता है कि पूरा गिलास मैंने आपको पिलाया हो? पानी ले अभी बोतल पी लेकर। हाँ ठीक है ले आ भाई ले आ। आपको पूरा सुन के जाता अपनी माँ की बात, पूरा गिलास तुमने पिया पता है तुमको? नहीं। अगर ये फर्ज करो मैं पूरा गिलास तुमको ज़बरदस्ती पिला दूँ, ज़बरदस्ती पकड़ के हम लोग पिला दें, पी लोगी जब भी नहीं, हम पकड़ लेंगे जब भी नहीं पियोगे। वाह यार फातिमा क्या बोलती तुम? चल तू इतना पी के दिखा दे। चल कमाल है यार, ये तो बाबा है क्या है, है? बाबा है क्या है, टोपी है बाबा तो यार, टोपी है टोपी है। चलो पानी दो, पानी देना। पानी देकर आओ, पागल है तेरी बेटी यार, ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया बेटी को, माँ को। अच्छा एक बात बताओ जी, आपकी शोर का इंतजाम कब हुआ? काफी टाइम हो गया। कितने साल? बच्चे सारे छोटे छोटे थे। अच्छा ऐसा हो सकता है कि हमने जद्दो से बात की अभी, मुमकिन है? पूछ रहा हूँ ऐसा मुमकिन है दुनिया में कभी? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कब्र से आपके शोर को बुलवा के हमने बातचीत की हो तो आपको मानती हो इस बात को, तस्लीम करोगी कि जद्दो आया हमसे बातचीत की? हमें बताया कितने जद्दो, क्या उसकी जद्दो बोलती थी क्या?
ऐसा मुमकिन है जद्दू आके मुझसे बात करे, सवाल का जवाब दो बस। मुसलमान को हम तो नहीं मानते कि मरने के बाद कोई आएगा वो बात करेगा, हम मुसलमान लोग तो नहीं मानते इन बातों ना। हमारे अल्लाह के कलाम में लिखा हुआ है, हमारे हमारे अल्लाह के कलाम में लिखा हुआ है जिन्नात आते हैं, जिन्नात बात करते हैं, जिन्नात पकड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो वो आप अपनी वीडियो देख लेना, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके शोर से बात की है सबने। अच्छा, उसी ने बताया कि ये पत्तो है, ये जद्दो है। अच्छा, उसी ने बताया ये चन्नो है, उसी ने बताया किसी वो उसके साथ आई थी तुम, क्या ताया ताया के बेटे के ने बुलवाया था तुम्हारे बाप को, आफाक ने। वो तुम्हारा बाप उस वक्त इंडिया में था, मैं जानता हूँ तुम्हारे बाप इंडिया में था, तुम इंडिया में थी नहीं, मेरे को बता आपके बारे में नहीं। इंडिया से बाद 10 साल की उम्र में सबसे पहले इंडिया में आपको हुआ क्या था ये बता दो, नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताता हूँ। इंडिया में जब ये तेरी माँ उधर से इधर आई थी तो उस वक्त उम्र थी इसकी 12-13 साल, वो जिस वक्त एक मिनट जिस वक्त इस कुत्ते ने हाथ डाला था ना, उस वक्त तेरी माँ को इतना सख्त बुखार आया होगा, इतना सख्त बुखार आया होगा, ऐसा लगता था कि तेरी माँ मर जाएगी। अब ये सच्चाई किससे पूछ रही है, तेरे को इंडिया में कभी ऐसा हुआ था जब तू छोटी थी तो तुम्हें बहुत सख्त बुखार आया? हाँ, सोच समझ के बात कर, हुआ था, सोच समझ के बात हुआ था, कोई सब बहुत छोटी थी, मैं जवान भी नहीं थी, जवान भी नहीं थी, ये सब क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ? बगैर पासपोर्ट के आई थी, छोटी थी। मैंने पूछा आप से बुखार इंडिया में आया था या नहीं? आया था, मर मर के पता है आपको शरारत किसकी थी? नहीं। आपको पता है आपके शोर को भी किसी ने मारा जान से? नहीं पता, कैसे मालूम पता नहीं, हुआ था मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, चाय पी के। मैंने जो पूछा उसका जवाब चाहिए, तुम्हारे शोर को किसी ने जान से मारा पता है तुम्हें? नहीं। अब इससे पूछो, इसको पूछो क्या तेरे बाप को किसी ने जान से मारा? अच्छा पूछो इसको, तेरे बाप का कत्ल पूछ रहा हूँ मैं, तुम्हारे बाप का कत्ल हुआ था या मर गया था? अच्छा इधर आओ ना, आप इंडिया में रहते थे मुझे क्या मालूम इस चीज़ का, आप इंडिया में थी मुझे इसका क्या पता, पूछ रहा हूँ। और आपके बच्चे भी मुझे क्यों बताएं कि इंडिया में रहती थी, इंडिया में कौन सी जगह रहती थी, कहाँ बुखार आया था, कहाँ तकलीफ हुई थी, कहाँ ऐसा लगा था कि अब मर जाऊंगी, मरते मरते बची हूँ, ये क्या था? और इसके बाद से आपका जिस्म भारी होना शुरू हो गया और आपको तकलीफें परेशानियाँ बीमारियाँ ये सब उसके बाद से लगी, और आपकी शादी में मेरे हिसाब से आपकी शादी में 100% रुकावट होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? मेरा ये सिस्टम बोलता है कि तुम्हारी शादी में रुकावट होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई हिंदू मरा हुआ था। बहुत बहुत रुकावट हो रही थी लेकिन हुई नहीं, वो कैसे गई शादी मेरे दिमाग में नहीं आती है। बच्चे तुम्हारे ये सब पैदा हो गए, मुझे हैरत हो रही है, बच्चे तुम्हारे कोई मरे नहीं, मैं 100% कहता हूँ तुम्हारे बच्चे मिसकरेज हुए। एक बेटी मरी हो के आपने बताया मेरे को, ये उस अल्लाह की मेहरबानी, उस अल्लाह की मेरे पास को देख कोई एक, अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आती हो कि बाबा के पास को जीन है, बाबा के पास मोक्कल है, कोई बाबा को